हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों बेसन का ढोकला। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। बेसन का ढोकला बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो सामग्री मैं ली हूँ दोस्तों, यहाँ पर 2 कप लगभग बेसन लिए है मैंने। बेसन को अच्छे से छान लिए हूँ और ये साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 1 नींबू का रस, रिफाइंड ऑयल, चीनी, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है दोस्तों, तो इसमें अब हम बेसन ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बेसन इसमें मैंने ट्रांसफर कर लिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं, बड़ा चम्मच, 1 चम्मच मैंने चीनी लिया था, नमक, हल्दी पाउडर, रिफाइंड तेल, साथ में यहाँ पर नींबू का रस। और चलते हैं, इन सबको पहले अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 1/2 गिलास मैंने पानी लिए हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा घोल हम तैयार कर लेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठली बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, 1/2 गिलास मैंने पानी लिया, 1/2 गिलास सारा पानी लग गया इसमें। और देखिए हमारा बेटर कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर बन के हुआ, तो इसी तरह हमें चाहिए। और इसको लग स्तरीय हमें 5 मिनट तक फेंटना है। तो 10 मिनट हो गया है दोस्तों, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हल्का हल्का बबल जैसा हो गया ये। तो अब हम इसमें, तो यहाँ पर मैंने एक लेमन वाला इनो लिया है दोस्तों, ये वाला अच्छा रहता है। तो अब हम इसमें डाल के मिला लेंगे। ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा मतलब फूल जाएगा ये। अब यहाँ पर हम हल्का 3 से 4 बूंद पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको अच्छे से मैंने मिला लिए हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखा। तो इधर मैंने एक बर्तन लिया है दोस्तों, तो इसमें हम अब तेल लगा देते हैं अच्छे से। अब बैटर को जब हम इनो डाल के, इसको हम रेस्ट में नहीं रख सकते हैं, इनो डालने के बाद तुरंत हमें इसमें बना लेना है। तेल मैंने यहाँ पर लगा लिया है दोस्तों बर्तन में। अब हम इस बैटर को इसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से इसमें रख दिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब चलते हैं, इधर मैंने गैस पर पानी डाल के रख दिए थे। अब पानी हमारा अच्छे से खोल रहा है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो इसको बैठा दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम इस बर्तन से ढक देते हैं इसको, और 20 से 25 मिनट तक हम इसको मीडियम आंच में हम छोड़ देते हैं। तो 20 से 25 मिनट हो गया है दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला, तो हम चाकू से चेक करते हैं दोस्तों। तो चाकू में हल्का लग रहा है, तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हम छोड़ देते हैं। तो ढोकले में जो हम तड़का लगाने वाले हैं दोस्तों, उसके सामग्री में ली हूँ यहाँ पर कुछ हरी मिर्ची ली हूँ, ये कम तीखी वाली है। ये कड़ी पत्ता लिया है दोस्तों, फ्रिज में रखा था ना, इसलिए इस तरह से हो गया है। और यहाँ पर कुछ फ्रेश हरा धनिया काट लिए हूँ, और ये राई लिया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने गैस जला लिए, और यहाँ पर मैं बैठा दी हूँ एक सस्पेन। तो सस्पेन गर्म हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं राई, साथ में कड़ी पत्ता डाल देते हैं, और इसको हम कुछ देर तक भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फ्राई हो गया है दोस्तों, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 गिलास से हल्का कम ही पानी डाल रही हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं 1 चम्मच चीनी ऐड कर देती हूँ, और साथ में 1/2 नींबू का रस। तो इसको हम कुछ देर तक उबलने देते हैं दोस्तों। तो अब हमारा ढोकला रेडी हो गया है दोस्तों,
मैं आपको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाकू में बिल्कुल भी नहीं लगा है, मैं एक बार और करके देखती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा तड़का रेडी हुआ है ना दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है दोस्तों, और ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो हम सबसे पहले चाकू से इसका किनारा इस तरह से कर लेते हैं। तो इसको मैंने पलट लिया है दोस्तों थाली में। अब इसको हम ऊपर से हल्का सा हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, और इसको अब हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा ये बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ इसको कट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीसेस कर रही हूँ, आपको जैसा शेप अच्छा लगता है बड़ा छोटा आप उस तरीके से कट कर लें। तो मैंने इसको कट कर लिए हैं दोस्तों, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये बना है ढोकला हमारा, ये देखिए। तो इसमें अब हम डाल देते हैं जो हमने पानी वाला तड़का तैयार किए थे ना, इसको डाल देते हैं। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। बेसन का ढोकला बहुत ही अच्छा बना है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।